तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम गणपति जी के कुछ इस प्रकार के इमेजेस कैसा बना सकते हैं एआई के थ्रू। आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और जो इमेज आपको पसंद आती है उसे डाउनलोड करके यूज़ करना है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको आपके मोबाइल पे, पीसी पे या फिर कंप्यूटर पे कहीं पे भी आपको सिंपल बिंग बोलकर सर्च करना है। अब ये सबको पता होगा, लेकिन मैं जिसे पता नहीं है उनको बताने के लिए बार बार बताता हूँ वीडियो में। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ये वाली वेबसाइट पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज बोल के ऑप्शन दिखेगा, इधर आपको जो दिख रहा है मेरा एरो, यहाँ पे इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये आएगा। अगर ये नहीं आता है तो आपको पहले वहाँ पे इस पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक तो आपकी मेल आई डी से क्रिएट कर लो, या फिर आपके मोबाइल नंबर से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लो, या फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट पहले से है तो उससे लॉग इन कर लो। उसके बाद आपको मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सिंपल उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। बस आपका काम हो गया। 10 से 15 सेकंड के अंदर चार इमेजेस बन के आ जाएंगे यहाँ पे। वो इमेजेस में से आपको जो भी इमेज पसंद आती है वो आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इमेज की क्वालिटी थोड़ा लो रह सकती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा वो इमेज की क्वालिटी आप कैसा बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्रिएट होने देंगे हमारे इमेजेस को पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाली इमेज थोड़ी आपको ब्लर टाइप दिख रही है, तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करके यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, तो इस पर डाउनलोड पर क्लिक करके आपको इसे ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी आपको ये ब्लरनेस दिखेंगी यहाँ पे ये इमेज में। तो उसको अच्छी क्वालिटी में करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल वो ब्राउज़र पे आना है और पिक्स आर्ट इमेज इन्हेंसर बोलकर डालना है। और ये पहली वेबसाइट पर आना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सब में पहले लॉग इन कर लो। बाद में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, तो ब्राउज फाइल पे क्लिक करो। इस पर क्लिक करते ही वो जो अभी हमने इमेज को डाउनलोड करे थे उसको आपके गैलरी में से या फिर कंप्यूटर में से सेलेक्ट करो और यहाँ पे 10 सेकंड रुको, ये आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे उसकी क्वालिटी बढ़ा के दे देगा। अभी ये हमारे इमेज डाउनलोड करे तो इसकी साइज़ कितनी थी, अभी 2 MB थी। अब ये वाली इमेज की 2 MB नहीं थी, 200 KB थी कुछ तो भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा क्रिएट होने दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली इमेज की साइज़ बोल रहा हूँ मैं 200 KB के कुछ आसपास का। वीडियो पीछे जाके देख सकते हो जब हम डाउनलोड करें तब। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो हमारी इमेज तैयार हो गई है HD क्वालिटी में। हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो हमारी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 MB की हो चुकी है, मतलब उसकी क्वालिटी बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो ब्लरनेस था वो गए वाला दिख रहा होगा, और जो नीचे आपको आप देख सकते हैं कितना कूल और कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब जब हम दोनों इमेज को कंपेयर करते हैं तब आपको ऐसा दिखेगा कुछ। कहाँ गए हमने, तो अब आपके वहाँ पे भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये हमारी इमेज एडिट हुई वाली है और ये एडिट हुई वाली नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क दिख रहा है, ये कितनी मस्त लग रही है और ये थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रही है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक से शेयर कर सकते हैं। कहते हैं मैं ऐसी फ्री टिप्स लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।